आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैबेज मंचूरियन और फ्राइड राइस की रेसिपी। यहाँ पे मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक मैदे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर आप देख पा रहे हैं तो मंचूरियन का शेप एकदम गोल राउंड बना है। इसकी भी एक अच्छी सी टिप मैंने आज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतास हैप्पी टर्नी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। पहली जो रेसिपी है वो है कैबेज मंचूरियन की रेसिपी। यहाँ पे मैंने कैबेज मंचूरियन के लिए 1.5 कप कैबेज खसकर ले लिया है। उस पर मैंने नमक अच्छी तरह से स्प्रिंकल किया। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच के करीब मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। इसको ढककर रेस्ट होने के लिए 10 मिनट रख दिया है। 10 मिनट बाद इसको खोल लीजिए, फिर से थोड़ा सा मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद इसके जो है आपके हाथ में जितना फिट हो सके उतना, एक मुट्ठी में फिट होने तक कैबेज ले लीजिए और उसको ऐसे निचोड़ लीजिए, तो इसमें का जो जूस है वो निकल जाएगा। तो ये जूस भी आप कलेक्ट कर रख लीजिएगा, इसको हम आगे रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से मैं बाकी का जो कैबेज है उसको अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी और ये जूस रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑलमोस्ट मैंने सारा कैबेज निचोड़ लिया है और जूस भी कलेक्ट कर लिया है। फिर ये जो कैबेज निचोड़ा वाला है उसको हम थोड़ा सा चम्मच से खुला खुला कर लेंगे और इसमें डाल लेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते समय ये ध्यान रखें कि हमने पहले भी नमक डाला था। 1/2 कप हम यहाँ पे गेहूं का आटा और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसका डो बन जाए। अभी ये बहुत ड्राई लग रहा है, इसमें पानी डालने की जल्दबाजी ना करें। जैसे जैसे आप इसको गूंथते जाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट डो बन जाता है। बिल्कुल भी पानी डालें ना, अगर आप पानी डालेंगे तो एकदम पतला डो बन जाएगा। बिना पानी के ही हमें इसे गूंदना है। एक बार इसका डो बन जाए तो इसमें एक छोटा सा पोर्शन लेकर ऐसे आप बॉल बना लीजिए। तो इसी तरह से मैं सारे बाकी के जो बॉल्स हैं वो बना लूँगी। यहाँ पे मैंने अपने सारे बॉल्स बना लिए हैं, तो इन बढ़ते हैं इनको फ्राई करने की ओर। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को पहले गरम किया, फिर उसमें तेल डाला, तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम होने दिया। एक बॉल डालकर चेक किया, यहाँ पे झाग निकल आया, मतलब तेल अच्छी तरह से गरम हो गया था। तो इसमें मैंने बाकी के मंचूरियन बॉल्स भी डाल लिए हैं। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे ही गरम किया था और ये जो मंचूरियन बॉल्स हैं इनको भी हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने वाले हैं। बॉल्स को फ्राई करते समय हमें ये ख्याल रखना है कि पूरी तरह से बॉल्स तेल में डूब जाएं, इतने ही बॉल्स हमको डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने बॉल्स डाल लिए हैं और अब इनको थोड़ी देर गर्म होने के बाद मैंने चम्मच चलाकर थोड़ा थोड़ा भूनना स्टार्ट किया, फ्राई करना। तो इन पर एक अच्छा सा सुनहरा कलर आने के बाद इनको मैंने निकाल लिया है। अभी इसी तेल में आप नेक्स्ट बैच तल लीजिए और पूरा होने के बाद इसमें से एक्सेस तेल निकाल कर थोड़े से तेल में हम अगली प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए लिया है मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सफ़ेद प्याज और शिमला मिर्च। तो यहाँ पे जो लहसुन है इसको मैंने बारीक काटा था, तो यहाँ पे मैं वो डाल रही हूँ। करीब मैंने 2 बड़े चम्मच तेल इसमें रहने दिया है। अब ये जो लहसुन है इसको हम 1/2 मिनट यानी 30 सेकेंड थोड़ा सा भून लेंगे हाई फ्लेम पे। तुरंत इसके बाद अब हम डाल लेंगे हमारा सफ़ेद प्याज और हरी मिर्च। सफ़ेद प्याज मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सफ़ेद प्याज में जो क्रंचीनेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे आप कोई भी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा भून लीजिए इसको भी 1/2 मिनट हाई फ्लेम पे ही। हाई फ्लेम पे ही भी हम सारे प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि जो चाइनीज़ है उसमें सारे प्रोसेस हाई फ्लेम पे ही की जाती है, उस वजह से इनकी सब्जियों में क्रंचीनेस रहता है। फिर लास्ट में हमने डाला शिमला मिर्च और अदरक। अदरक को हमने इसलिए लास्ट में डाला है क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर है वो चाइनीज़ में थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, तो वो लास्ट में डालेंगे तो ही उसका स्वाद थोड़ा तेज़ आता है। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी लास्ट में डाली है ताकि उसका क्रंचीनेस बना रहे। इनको हमने 1 मिनट भुना। अब इसमें हम डाल लेंगे सॉस। ऐसे ही सॉस डालना शुरू करें, गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच चिली सॉस, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 2 छोटी चम्मच टमाटो केचप और 2 छोटी चम्मच शेजवान सॉस। शेजवान सॉस अगर आपके पास ना हो तो आप शेजवान सॉस
के बजाय जो चिली सॉस है वही थोड़ा सा एक्सेस में डाल लीजिए। और अगर दोनों भी ना हो तो आप, हम जो नॉर्मल चिली खाते हैं घर में, तो जो मिर्ची वाली पाउडर खाते हैं, लाल मिर्च पाउडर, वही आप थोड़ा सा टमाटो केचप में मिक्स कर कर डाल लीजिएगा। तो इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो हमने गोभी वाला पानी बचा कर रखा था उसमें मैंने एक छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और ये जो कॉर्नफ्लोर वाला पानी है वो मैं हमारे ये सॉस वाले मिश्रण में डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर कर पका लेंगे कि ये जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है वो थोड़ा सा पक जाए। यहाँ पे जो मेरा गोभी का पानी था वो दोस्तों करीब करीब 2 बड़े चम्मच निकल कर आया था, तो इसलिए मैंने उसमें एक छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। फिर इसमें मैंने एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाली। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स किए और हमने जो बना कर रखे हुए मंचूरियन बॉल्स थे उन सबको अच्छी तरह से डाला इसमें। और इनको अच्छी तरह से मंचूरियन बॉल्स इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए इसलिए मैंने इसको मिक्स किया है। अगर आप थोड़ा सा फ्राई, ये जो मैंने बनाई है वो ड्राई ग्रेवी है, और अगर आप थोड़ा सा इसको थिक वाली ग्रेवी चाहते हैं तो यहाँ पे आधा कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म मंचूरियन बनकर तैयार है। आप इनको ऐसे ही खाकर भी मज़ा उठा सकते हैं, पर क्योंकि हम बना रहे हैं कॉम्बोर तो इसके साथ हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फ्राइड राइस की रेसिपी की ओर। फ्राइड राइस के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है, गैस को रखा है हाई फ्लेम पे। इसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डाल लिया, ये नॉर्मल खाने वाला तेल है, यहाँ पे मैंने कोई स्पेशल तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तेल को थोड़ा गर्म होने दिया। जैसे ही तेल गर्म हो गया इसमें मैंने डाल लिए हैं कुछ सब्जियाँ, तो उसमें है लहसुन, हरी मिर्ची, सफ़ेद प्याज और अदरक। तो पहले मैं लहसुन डालूंगी। लहसुन को डालकर मैं आधा मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे भूनने वाली हूँ। हमें लहसुन को ब्राउन नहीं करना है या सुनहरा नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि इसका जो कच्चा स्वाद है वो निकल जाए पर इसका क्रंचीनेस ना जाए। तो मेरा लहसुन भून चुका है। लहसुन भूनने के बाद इसमें मैं डाल लूँगी सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज को भी मैं आधा मिनट हाई फ्लेम पे ही भूनने वाली हूँ। सफ़ेद प्याज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रंची होता है बाकी सब प्याज से, इसलिए मैं यहाँ पे चाइनीज़ में सफ़ेद प्याज को डाल रही हूँ। फिर इसमें मैंने डाला अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च अदरक डालने के बाद भी हमें इसको भून लेना है आधा मिनट हाई फ्लेम पे। यहाँ पे हम जब भी चाइनीज़ बनाते हैं तो ये हमें ख्याल रखना है कि सारी जो चीज़ें हैं हमें हाई फ्लेम पे ही भूननी है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हरी प्याज बारीक कटी हुई और 100 ग्राम के करीब बंद गोभी बारीक कटी हुई। अब इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इन सब को हमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पे भूनना है कि इनका जो कच्चा स्वाद है वो निकल जाए और इनका जो क्रंचीनेस है वो बना रहे। अब सारी सब्जियाँ भून चुकी है तो इसमें मैं डाल लेती हूँ 1 कप चावल। इसको मैंने ऑलरेडी पका लिया था और प्लेट में खुला खुला कर कर रख दिया था। फिर इसमें मैंने डाला आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिली पाउडर, 1 छोटी चम्मच सोया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालते समय चाइनीज़ रेसिपीज़ में ये ध्यान रखना है कि जो सॉस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी नमक होता है, तो पहले आप डालते समय थोड़ा ही नमक का इस्तेमाल करें और फिर बाद में चाहे तो इसको टेस्ट कर लें और उसके हिसाब से आप थोड़ा और नमक डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद मैं आखिर में थोड़ा सा हरी प्याज ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि हरी प्याज का जो थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है चाइनीज़ में। फिर इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी कि ये जो हरी प्याज है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस इनको मिक्स कर लेना है। फिर आखिर में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच विनेगर। विनेगर के को भी अच्छी तरह से चावल में मिक्स कर लीजिए और ये आपका चावल बनकर तैयार हो गया। इसे आप हमने बनाए हुए मंचूरियन के साथ सर्व कर लीजिए और बिल्कुल इसका मज़ा लेकर मुझे पक्का बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।